एक और खतरनाक बीमारी जानवरों से निकलकर इंसानों की दुनिया में आतंक फैला रही है। पश्चिम अफ्रीका के 3 देशों लाइबेरिया, सियेरा लियोन और गिनी में इबोला वायरस परेशानी का सबब बन चुका है। पश्चिम अफ्रीका में अब तक 800 से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इस वायरस की चपेट में आने के बाद बचने की संभावना मात्र 10% ही रह जाती है और 90% संक्रमित मरीज मौत का शिकार हो चुके हैं। अब तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। दुनिया भर के जैव विज्ञानी इस वायरस का वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल इबोला जंगली जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों के बीच फैलने वाला खतरनाक वायरस है। टेरापोडिया फैमिली के चमगादड़ खासतौर पर इबोला वायरस के वाहक होते हैं। इबोला वायरस से संक्रमण की स्थिति को इबोला वायरस डिजीज कहा जाता है, जिसे औपचारिक रूप से इबोला हेमोग्राफिक फीवर का नाम दिया गया है। इस वायरस से संक्रमित होने के 2 दिन से 3 हफ्तों में इबोला हेमोग्राफिक फीवर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें बुखार होना, गले और मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द प्रमुख हैं। बीमारी बढ़ जाने पर उल्टी, डायरिया जैसे लक्षण दिखते हैं, जिनमें लीवर और किडनी ठीक तरह से काम नहीं करते। कई मरीजों में इस स्थिति तक आते आते इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इन्फेक्शन फैलने में 13 से 15 दिन का वक्त लगता है। संक्रमित ब्लड संक्रमित व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। संक्रमण के बाद उपचार या संक्रमण से पूर्व इससे बचाव के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। शुरुआती दिनों में अगर इसका पता चल जाए तो इसके ठीक होने की संभावना बन सकती है। संक्रमित व्यक्ति को ही स्वयं जागरूकता से कोशिश करनी चाहिए कि उससे अन्य कोई संक्रमित ना हो और जल्द से जल्द अस्पताल को इसकी जानकारी दें। जाहिर है अभी तक तो जानकारी और बचाव ही इस बीमारी से बचने का उपाय है, लेकिन अगर समय रहते इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो न सिर्फ और जाने जाएंगी बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक ढांचे पर भी बुरा असर पड़ेगा। शीश चंद सिंह, डीडी न्यूज़।